दोस्तों आज एक स्टेटमेंट आई और उस स्टेटमेंट के बाद एक प्रश्न हमारे दिमाग में कौतूहल मचाने लगा और वो प्रश्न था कि क्या राहुल गांधी एक दिन में 200-300 क्विंटल सुसु कर देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर और आज हम बात करने वाले हैं पप्पू मूत्र के बारे में। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, हम बात करने वाले हैं पप्पू मूत्र के बारे में। एक हैशटैग जो आज ट्रेंड कर रहा है उसका नाम है हैशटैग पप्पू मूत्र। अब ये हैशटैग ट्रेंड क्यों कर रहा है, ये हैशटैग क्या है, इसके बारे में आज पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि एक दिन में बहुत सारे हैशटैग्स बनाए जाते हैं ट्विटर के ऊपर, उनमें से कुछ चंद ऐसे होते हैं जो ट्रेंड करते हैं। और वो जो चंद ऐसे हैशटैग्स होते हैं जो ट्रेंड करते हैं, वो इसलिए ट्रेंड करते हैं क्योंकि नेशन का इंटरेस्ट उन हैशटैग्स में होता है और पूरा का पूरा नेशन उन हैशटैग्स के बारे में बात कर रहा होता है। तो अब पप्पू मूत्र में ऐसा क्या खास है जो ये ट्रेंड कर रहा है, इसमें कौन सा नेशनल इंटरेस्ट छुपा हुआ है जो ये ट्रेंड कर रहा है, तो इसके बारे में पूरा ब्यौरा हम आपको आज देने वाले हैं। पप्पू मूत्र क्या है, इसके बारे में पहले हम आपको बताते हैं। पप्पू मूत्र, जी हां, पप्पू मूत्र है और पप्पू मूत्र को ही पप्पू मूत्र कहा जाता है। तो पप्पू मूत्र को पप्पू मूत्र क्यों कहा जाता है, यह ज्यादा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आज एक स्टेटमेंट आई आरवीएस मनी की, आरवीएस मनी जो कि अंडर सेक्रेटरी थे होम मिनिस्ट्री में कांग्रेस के शासनकाल में, और उनकी जो प्रमोशन थी वो इसी पप्पू मूत्र की वजह से रोक दी गई। तो आरवीएस मनी ने आज एक स्टेटमेंट दी है और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि कमलनाथ जो कि कांग्रेस पार्टी के आला नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेताओं में से एक हैं, वो कमलनाथ उस समय आरवीएस मनी के पास आए और उनके पास आकर वो बोले कि राहुल गांधी ने उन्हें भेजा है और राहुल गांधी ने एक चीज उन्हें बोली है, वही चीज वो आरवीएस मनी को बोलने आए हैं और उनको वो चीज माननी होगी और उस चीज को ना मानने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो राहुल गांधी ने कमलनाथ को ये कहकर भेजा था आरवीएस मनी के पास कि आपको हमारी मदद करनी होगी, मदद करनी होगी नरेंद्र मोदी को फ्रेम करने में, मदद करनी होगी एक टर्म हिंदू टेरर को प्रोपेगेट करने में, आपको मदद करनी होगी हिंदुओं को टेररिस्ट शो करने में। तो कमलनाथ का ये संदेशा था आरवीएस मनी को। तो स्टोरी वो पूरी बताते हैं, तो स्टोरी में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कमलनाथ जी मेरे पास आए, कमलनाथ जी उस वक्त यूनियन मिनिस्टर थे और उन्होंने मेरे पास आकर बोला कि इशरत जहान मर्डर केस में हमें नरेंद्र मोदी को फंसाना है। इशरत जहां का जो एनकाउंटर हुआ था उस एनकाउंटर को फेक प्रूव करना है और हमें दुनिया को ये दिखाना है कि हिंदू टेरर नाम की कोई चीज़ होती है, हमने हिंदू टेरर का प्रयोग करना शुरू कर दिया है, अब आपके ऊपर ये कार्यभार है कि आपको इस एनकाउंटर को फेक एनकाउंटर प्रूव करना है, आपको ये बोलना होगा कि ये जो एनकाउंटर था ये फेक था। तो इसके ऊपर आरवीएस मनी ने उनको ये कहा कि भाई मैं तो सच्चाई का साथ देने वाला हूं, मैं आपके कहने के हिसाब से नहीं चलूंगा और मैं वही कहूंगा जो सच है। तो कमलनाथ साहब इसमें थोड़ा सा गुस्सा हो गए और कहा कि आप राहुल गांधी की बात को मानने से मना कर रहे हैं, आप उस राहुल गांधी की बात को मानने से मना कर रहे हैं जिसका मूत पीने के लिए लाइनें लगी रहती हैं, लाइनें। लेटर ऑन वन फाइन मॉर्निंग One evening when I was about to leave for home, I said in the Urban Development Ministry, I was called by the Minister for Urban Development. I had given a narration of that, but what is not palatable, I have desisted from sharing that in the book. Kamalnath was in a room, I could see his, whether it was on speaker phone or room, whatever, two more officers were there, they wanted to repeat, I have to
He kept on repeating, aap maan jao. I said, sir, main sach ke saath hoon, I will cannot change the narrative, it is the truth. He told me, ki log baag Rahul Gandhi ke pishab peene ke liye tayar hote ho, aap itna chota sa favor nahi kar sakte. I said, I retorted back saying that, sab aap logon ko pishab peene ka taste hoga, aap log peejiye, main nahi peeta, main sach ke saath khada hoon. Then one joint secretary started firing me left and right. Later on I came out, I was asked to do some other, carry out some. तो ये सुना आपने RVS मनी की जुबानी कि किस प्रकार से कमलनाथ ने उन्हें कहा था कि राहुल गांधी का मूत पीने के लिए तो लाइनें लगी रहती हैं। अब कमलनाथ जी से हमारे कुछ वैलिड क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर देके वो हमारा कृतार्थ करें। तो कमलनाथ जी, हम पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस के 2 करोड़ से 4 करोड़ के बीच में मेंबर्स हैं, उन सभी को राहुल गांधी का मूत्र पिलाया जाता है मेंबर बनाने के लिए, और ये जो मूत्र पिलाया जाता है ये इन्हें नियमित रूप से पिलाया जाता है ताकि इनके अंदर से पप्पू तंत्र चलता रहे, या फिर ये मूत्र केवल मेंबरशिप देते वक्त एक बार पिलाया जाता है, मेंबरशिप फॉर्म भरने की जगह एक बार पप्पू मूत्र पिला दिया जाता है? तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है हमारा कमलनाथ जी से। तो कमलनाथ जी, अगर हमें ये बताएंगे कि राहुल गांधी का जो मूत्र है वो सभी कांग्रेसी नियमित रूप से पीते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 करोड़ से 4 करोड़ के बीच में जो मेंबर्स हैं वो राहुल गांधी का मूत्र डेली पीते हैं, जिसका मतलब है कि 200 से 300 क्विंटल मूत्र राहुल गांधी को विसर्जित करना पड़ता होगा डेली। वहीं दूसरी ओर अगर एक बार मेंबर बनने के लिए राहुल गांधी का मूत्र पीना होता है तो उस केस में आप हमें ये बताइए कि मेंबर्स जो हैं, हमने बहुत देखा है कि कांग्रेस पार्टी में 75-75 साल के लोग कांग्रेस के वर्कर्स ही बनकर रह जाते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी में जैसे जैसे सीनियोरिटी बढ़ती रहती है वैसे वैसे लोग भी अपनी पोजीशंस में बढ़ते रहते हैं। हमने देखा है कि 75 साल के भी लोग, 75-75 साल से भी काम करते हुए लोग वहीं उसी सेम पोजीशन पर पड़े रहते हैं कांग्रेस पार्टी में। तो यहाँ पर क्या ऐसा है कि जो लोग जितना ज़्यादा मूत्र पिएंगे उतनी ज़्यादा लेडर में, हायरार्की में वो आगे बढ़ते रहेंगे? क्या जो बड़े नेता हैं वो ज़्यादा बार मूत्र पीते हैं और जो वर्कर्स हैं वो केवल ज्वाइन करने के टाइम पे, जब कांग्रेस पार्टी का ज्वाइन करते हैं उस समय पर मूत्र पीते हैं? तो ये बात हमें आप बताएं। वहीं दूसरी ओर इस हैशटैग के ऊपर काफ़ी सारे जोक्स और मीम्स बनाए जाने लगे हैं। यहाँ पर यो फनी सिंह नाम का एक ट्विटर हैंडल है जो कि लिखता है, आज मुझे पता चल गया है कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर्स हैं या कांग्रेस पार्टी को जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो ये क्यों लिखते हैं कि राहुल फॉर पीएम, ऐसा क्यों लिखते हैं? इसमें पीएम का मतलब है पप्पू मूत्र, राहुल फॉर पप्पू मूत्र, इसलिए बोला जाता है राहुल फॉर पीएम। उधर से दूसरी ओर ऋषि बागरी ने तो ये लिख दिया कि भाई पहली बार अमेठी का मेड इन अमेठी प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है। मेड इन अमेठी के नाम से कोई मोबाइल फोन या कोई और सभी चीजें नहीं देखी जा सकती हैं, पर हाँ अब पप्पू मूत्र आ गया है जो जेन्युइनली मेड इन अमेठी है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर ललिया ने तो इसके लिए पूरी एड ही निकाल दी है। अभी इस एड में वो कहते हैं द कूलेस्ट ड्रिंक टू हैंग आउट विद बट ओनली फॉर कांग्रेसीज एंड पिद्दीज। तो यहां से ट्विटर पर इस तरीके से बहुत सारा मजाक इस स्टेटमेंट का बनाया जा रहा है, पप्पू मूत्र इसीलिए ट्रेंड कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा और बहुत संजीदा मुद्दा है ये, जिसमें एक यूनियन मिनिस्टर एक अंडर सेक्रेटरी जो कि होम मिनिस्ट्री का अंडर सेक्रेटरी है उसको थ्रेटन कर रहा है कि आपको नरेंद्र मोदी को फंसाना होगा, आपको एक स्टेट के सीएम को फंसाना होगा एक फेक एनकाउंटर की फेक स्टोरी में। तो एक बहुत संजीदा मुद्दा यहां से देखा जा सकता है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कार्य करती थी। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको ट्रेंडिंग में लेके आइए, और
हम आपसे अनुरोध ये करते हैं कि आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप हमें पेट्रियन पर मदद ज़रूर कीजिए ताकि हम अगले लेवल पर पहुंच सकें, और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए। पेट्रियन, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।